नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 24 दिसंबर। सबसे पहले अगर वेबिनार की अपडेट करें तो जल्द हम आपके लिए कॉटन कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं जनवरी में, और साथ में हम रेशियो और सीजनलिटी का भी एक वेबिनार अरेंज कर रहे हैं। वेबिनार का ऑब्जेक्टिव है कि आप समझे कि मार्केट के अंदर क्या नई चीजें हैं जो 2022 में प्राइजेस को इम्पैक्ट कर सकती है। वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स की बात करें तो कल का दिन फिर से सुस्त रहा। जिस ढंग से हमने देखा कि क्रिसमस के हॉलीडे मोड मार्केट में बनना चालू हो चुका है, आज मेजर अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट बंद रहेंगे, जिसके चलते प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। कल हमने देखा यूएस से जो डेटा पॉइंट आए हैं वो काफी शानदार आए हैं, जिसकी वजह से डॉलर में नो डाउट 96 के करीब स्टेबिलिटी है, बट सोने और चांदी में हमने हायर लेवल से थोड़ा पुलबैक जरूर देखा है। बट कहीं ना कहीं कोरोना का कंसर्न भी बना हुआ है, फिजिकल डिमांड जो है वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर और हॉलीडे का माहौल है। यहाँ पे हम देखते हैं ज्यादा करके बुलियन एज ए गिफ्टिंग काफी देशों में यूज होता है। चाइना में इनफैक्ट हमने प्रीमियम्स की बात करें तो 6 से 9 डॉलर के भी प्रीमियम्स हमने सुनते हुए देखे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है आज मार्केट दायरे में रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी इकोनॉमिकल डेटा। और एमसीएक्स बुलडेक्स की अगर हम बात करें तो प्राइजेस 14,150 से 14,280 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए 14,150 पे एमसीएक्स बुलडेक्स लेके चलेंगे, 250 से 280 का टारगेट रहेगा। वहीं कल के सेशन में हमने गोल्ड में भी सुस्त रेंज होते हुए देखा, 48,200 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। कल हमने दिन के सेशन में 200 के ऊपर जाते हुए जरूर देखा बट सस्टेन नहीं किया, ना ही प्राइजेस 48 के नीचे जा पा रहा है। आज के लिए दिन के सेशन में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, 48,50 के करीब मिले पे लेके चलिए, 48,250 से 300 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। बट ध्यान रखिए वॉल्यूम काफी कम रहेगा, इसलिए कुछ बड़ा काम मत करके चलिए। चांदी के अंदर भी हमने अपलिफ्ट कंटिन्यू देखा है, जिस ढंग से बेस मेटल में हमने जो तेजी देखी थी वो कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट कर रहा है, और टेक्निकली भी चांदी 62,000 के ऊपर होल्ड करने पे हमें ट्रेंड कंटिन्यू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट की सिचुएशन बनती है अगर 62,800 के ऊपर प्राइसेस निकल जाते हैं। रुपए में मजबूती के चलते थोड़ा पुलबैक जरूर था बट इन ऑल चांदी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। क्रूड में कल फिर से हमने 7% की तेजी आते हुए देखी। जिस ढंग से कोरोना का कंसर्न तो है बट ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होने की वजह से और वैक्सीनेशन के अपडेट की वजह से हमने देखा है प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा सेंस बना है। बट कहीं ना कहीं अपसाइड थोड़ा टेक्निकल ओवरबॉट दिखाई दे रहा है, बट 5600 तक के लेवल इंपॉर्टेंट हर्डल रहेंगे। आज मॉर्निंग में थोड़ा बाउंस दिखा सकता है बट सस्टेन नहीं करेंगे। नेचुरल गैस में जैसे कल उम्मीद की थी वैसे ही मार्केट में गिरावट आई, 300 के ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा प्राइजेस। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस 300 के करीब जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। कल इन्वेंट्री डेटा से पहले हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी, जिस ढंग से माइल्ड वेदर के अपडेट आए हुए हैं और प्राइजेस ने 272 का लेवल ऑलमोस्ट छू दिया था। आज थोड़ा भी बाउंस मिले बेच के चलिए, 270 का टारगेट रहेगा। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर बड़ी तेजी के बाद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कोरोना का कंसर्न तो मार्केट में बन रहा ही है बट साथ में जो सप्लाई कंसर्न है ये पूरे बेस मेटल पैक को एक अच्छा सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर एलएमई पे देखें तो काफी मिक्स भी है, हॉलीडे के मूड के चलते आज मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में गोल्ड धीरे धीरे 1810 के ऊपर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि जल्द 1825 से लेकर 1830 तक के लेवल हम देख पाएंगे। वहीं चांदी 2290 पे ट्रेड कर रही है, जो 2320 का टारगेट दिखा सकता है। वॉल्यूम्स कम होने की वजह से स्पाइक्स लगते हुए मार्केट में देख सकते हैं, इस पे आप संभल के ट्रेड कीजिए। वहीं क्रूड ब्रेंट क्रूड में भी आज हॉलीडे मूड रहेगा, जिसकी वजह से सब प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। नेचुरल गैस में गिरावट रहेगी, इक्विटी मार्केट में तेजी है विक्स की गिरावट के चलते, जबकि डॉलर इंडेक्स 96 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिसकी गिरावट के चलते आज कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कल के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट डेटा आए थे जो पॉजिटिव थे, बट आज यूरोप और यूएस दोनों ही हॉलीडे मूड में, जिसकी वजह से कोई बड़ा डेटा पॉइंट नहीं है। गोल्ड के अगर चार्टिंग की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल में। अगर 1810 के ऊपर होल्ड होता तो 1870 से लेकर 1834 तक का लेवल गोल्ड दिखा सकता है। वहीं चांदी भी इंटरनेशनल में अगर हम बात करें तो जल्द 2340 तक का लेवल दिखा सकती है, जो 200 मूविंग एवरेज रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव है। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, बट उसके लिए 47,900 के नीचे अगर वीकली क्लोज दे देता है तो थोड़ा टेंशन है। अदरवाइज 48,200 के ऊपर 48,550 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। कॉपर में भी तेजी कायम है, जो 763 तक का लेवल दिखा सकती है। जिंक के अंदर ध्यान रखिए 292 का लेवल तोड़ने पे हम एक अच्छी खासी तेजी बढ़ते हुए दिखेंगे। क्रूड के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो आज सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करेंगे, सोने चांदी रेंज बाउंड रहेंगे, क्रूड में गिरा